खबर महाराष्ट्र से। बदलापुर में नाबालिग बच्चियों के यौन उत्पीड़न के मामले में आज कल्याण कोर्ट में आरोपी अक्षय शिंदे को पेश किया गया। कोर्ट ने अक्षय शिंदे को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बदलापुर मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने आरोपी अक्षय शिंदे को सोमवार को कोर्ट में पेश किया और उनकी पहचान परेड कराने की इजाजत मांगी। इस परेड में पीड़ितों के सामने आरोपी को लेकर उनकी शिनाख्त कराई जाती है। यह पहचान परेड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने होनी है। इस मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में बदलापुर मामले की जांच रिपोर्ट देनी है, केस की डायरी और दस्तावेज के साथ। इस मामले में राज्य सरकार ने जो कमेटी बनाई थी उसकी रिपोर्ट जल्द ही गृह मंत्रालय को सौंप दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में स्कूल प्रशासन और तत्कालीन पुलिस अधिकारियों को जिम्मेदार बताया गया है। हमने एक सेपरेट कमेटी जो महिला और बाल कल्याण विभाग है उसके कमिश्नर ननावरे जी इनके अध्यक्षता में स्थापन की है और इसके बारे में कल हमारी कैबिनेट में जो चर्चा हुई है किसी को भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि हम जो सब इम्प्लीमेंट करते हैं तो अगर हमने सेल्फ डिफेंस अपने स्कूल में किया है तो प्राइवेट स्कूल के लिए इस स्कीम में हमारी एक डिफ़िकल्टी महाराष्ट्र की ये भी है कि हम स्कूल की पूरी ग्रांट देते हैं, उनका पूरा खर्चा देते हैं, फिर भी उनको गवर्नमेंट का स्टेटस नहीं है, इसलिए बहुत सारी सुविधाओं से उनको वंचित रहना पड़ता है। एक घटना होने के बाद हम लोग कार्रवाई करते हैं, उनको पनिशमेंट देते हैं, लेकिन ये सोल्यूशन है क्या? ये जो घटनाएं नहीं हो, इसलिए ओनली सोल्यूशन एज पर माई जजमेंट बींग माई एक्सपीरियंस एज MOS होम इज दैट पैनिक बटन आर देयर ऑन द मोबाइल्स ऑल्सो, बट दोज मोबाइल्स आर नॉट विद एवरीबडी। सो पैनिक बटन जो दिया जाएगा उसमें वो बच्चों को भी दिया जाएगा, बच्चों को भी दिया जाएगा, जो भी एक्सपेंडिचर है हम लोग बेयर करेंगे। इस मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अब तक आरोपी अक्षय शिंदे की दो पत्नियों के बयान दर्ज कर लिए हैं। वहीं इस मामले में आरोपी अक्षय शिंदे की तीसरी पत्नी का बयान भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जल्द ही दर्ज करेगी। साथ ही इस पूरे मामले को लेकर अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को अक्षय शिंदे के फोन की तलाश है, जिससे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ये पता लगा सके कि इस तरीके की हरकत करने वाला व्यक्ति अपने फोन में किस तरीके की चीजें रखता था, किस तरीके के वीडियोस देखता था और उसके संपर्क में कौन कौन था। मुंबई से कैमरामैन सचिन सावंत के साथ मेरे सहयोगी रौनक कुकड़े और पारस दामा NDTV इंडिया के लिए।